अस्सलाम वालेकुम गाइस, इमाद इरफानी अपनी 44th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कभी मैं कभी तुम के सेट पर, और वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल दिस। बैकअप पे किया लेकिन थैंक यू सो मच। लंबी जिंदगी लोगों ने देखा कि ये सेट पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, हालांकि नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं और फहद मुस्तफा और इमाद इरफानी भाई हैं, लेकिन दोनों का बहुत ही ज्यादा वैर दिखाया गया है इस ड्रामे में। ये सेट पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, बिहाइंड द सीन शेयर करते हैं, तो यकीन नहीं आता कि इनका आपस में इतना अच्छा बॉन्ड है, क्योंकि ड्रामे में ये लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। कभी मैं कभी तुम ड्रामे की बहुत अच्छी रेटिंग आ रही है, हानिया की एक्टिंग को बहुत पसंद किया जा रहा है। ये लोग सेट पर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इनकी ऑफलाइन केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है आपस में, फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, बहुत ही फ्रैंक एनवायरनमेंट होता है इनका सेट पर, जो कि हमें वीडियोस में देखने से भी पता चल रहा है। आदिल फानी वैसे तो पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर मॉडल है, लेकिन उनको एक्टिंग में रिकॉग्नाइजेशन कभी मैं कभी तुम की वजह से मिल रही है। और ये इनकी 44th बर्थडे है और इतनी एज होने के बावजूद वो बिल्कुल यंग लगते हैं, और इनकी रियल लाइफ में भी शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा चंदर से वफ़ोत हो गया था, और काफी दुखी बात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक्टिंग में अपना दिल लगाया हुआ है।